साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र प्रयागराज द्वारा होमोसेक्सुअल के बनकर ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरजनपदीय अभियुक्त पहुंचा सलाखों के पीछे। साइबर अपराधों के खुलासे के क्रम में अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश साइबर क्राइम उत्तर प्रदेश राम कुमार के आदेश अनुसार साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह के दिशा निर्देश पर साइबर क्राइम द्वारा होमोसेक्सुअल गे बनकर लोगों को विश्वास में लेकर ऑनलाइन लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को आईटी एक्ट अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला झुंसी का है, जहां 22 जनवरी को एडीए कॉलोनी झुंसी के रहने वाले राजीव श्रीवास्तव से ऑनलाइन धोखाधड़ी की थी, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए 3,63,849 रुपए की शिकायती तहरीर पर साइबर क्राइम टीम ने आईटी एक्ट के उल्लंघन में मामला पंजीकृत किया था। इस ऑनलाइन ठगी में जौनपुर के रहने वाले अभियुक्त रजनीश यादव द्वारा होमोसेक्सुअल गे बनकर 3,63,849 रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई है। पकड़े गए अभियुक्त ने साइबर क्राइम टीम को बताया कि किस तरह से वो सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए होमोसेक्सुअल गे की साइट रोमियो ऐप के माध्यम से अविवाहित तलाकशुदा लोगों की प्रोफाइल को ढूंढकर उनकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके व्हाट्सएप चैटिंग और कॉलिंग का इस्तेमाल करके लोगों से बात करता था। जब लोगों को इसकी बातों पर विश्वास हो जाता था तो वह उनके घर आना जाना शुरू करके बैंक संबंधी दस्तावेज को प्राप्त कर यूपीआई जनरेट करके लाखों रुपए खातों से चंपत कर देता था। इसी ऑनलाइन ठगी से कमाए रुपयों से वह ऑनलाइन ही सामानों की खरीदारी भी करता था। पकड़े गए अभियुक्त के पास से पुलिस को एक सिम कार्ड, एक स्मार्टफोन, एक मोटरसाइकिल, एक ब्लूटूथ स्पीकर, एक बैंक पासबुक, 3,000 रुपए, 152,111 रुपए अभियुक्त के खाते में फ्रीज कर दिया, जबकि 132,600 रुपए पीड़ित के खाते में वापस किए गए। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज।